भावना का तो भजन संध्या संजय जी के। थैंक यू। नगर निगम में गायन प्रतियोगिता चल रही है और विरासत रुड़की द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है और लगातार ये 22 मार्च तक कार्यक्रम चलेंगे अलग अलग, और उसको लेकर आज रुड़की नगर निगम सभागार में जो अतिथि पहुंचे हैं उनसे बात करेंगे, जो विरासत रुड़की के महासचिव हमारे साथ ब्रह्मपाल सैनी जी हैं, चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। ये जो रुड़की महोत्सव के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम हुए हैं इनमें आज हमारा ये पहला कार्यक्रम है गायन प्रतियोगिता का, और इसमें हमने सारा इसका प्रचार किया था तो लगभग 40 प्रविष्टियाँ इसमें हैं, 40 गायक इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं रुड़की के, और कार्यक्रम विधिवत चल रहा है। इसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे बच्चे उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो परसों हमारा बड़ा कार्यक्रम है मुख्य सम्मान समारोह उनमें इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा बच्चों को, और जो जितने भी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं गायन प्रतियोगिता में उन सब बच्चों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और शाम को हमारा आज फिर कव्वाली का कार्यक्रम है, और इसी तरह श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों में कल रंगोली का कंपटीशन है और उसका फैंसी ड्रेस का कंपटीशन है, कल रात को कवि सम्मेलन और मुशायरे का है, और परसों माने मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। तो ये जो सारी आपको सुंदरता और ये सारी सज्जा आज दिखाई दे रही है पूरे शहर में ये रुड़की महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है, और चूंकि परसों सरदार भगत सिंह का जन्म वो है बलिदान दिवस, तो उसमें राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी हुई थी, इसलिए परसों रक्तदान शिविर भी है 23 तारीख में, तो 23 तारीख में उस कार्यक्रम को भी बड़ी भव्यता से हम लोग मनाएंगे। तो आज एक कितने बच्चों ने छात्रों ने प्रतिभाग कराया कहाँ कहाँ सर? 40 बच्चे आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, बच्चे भी हैं बड़े हैं, सारे जो गायक हैं सबका सब भाग ले रहे हैं, और उसी हिसाब से उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे दिए जाएंगे। हमारे साथ जो कार्यक्रम में अतिथि पहुँचे हैं सौरभ भूषण जी, व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भी हैं और अपना भी इनका शिक्षण संस्थान है, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज ये विरासत रुड़की द्वारा कार्यक्रम रुड़की में रखा? देखिए विरासत रुड़की जो है कार्यक्रम में जो कमेटी समिति है उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रुड़की को दिया, और एक नया ख्याल एक नया विचार आया कि जैसे हरिद्वार में हल्द्वानी में होता है देहरादून में होता है इस तरह रुड़की पर भी उसी तरह पर हो रहा है कार्यक्रम, तो सब रुड़की वासियों को प्रतिभाग करना चाहिए और एक अच्छा कार्यक्रम रुड़की में हो रहा है जा रहा है। शहीदों के 75वें महोत्सव के उस पर मनाया जा रहा है, इसमें गायन प्रतियोगिता आज हमारा पहला कार्यक्रम है, और इसमें 40-50 बच्चे लगभग भाग ले रहे हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। और अगला कार्यक्रम रंगोली और फैंसी ड्रेस सभी कार्यक्रम परसों मुख्यमंत्री जी आएंगे 22 में। कार्यक्रम के संयोजक राहुल जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद दीपक भाई आपका बहुत बहुत, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, और आपका जो ये प्रेस है दैनिक रुड़की के नाम से इसका बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं माननीय सौरभ जी, सौरभ भूषण जी, वो इसमें मुख्य वक्ता हैं, और आज का जो कार्यक्रम है बच्चों से रिलेटेड है, इसमें हमारे मिनिमम उम्र जो है 10 साल से और कोई एज लिमिट नहीं, हमारे जो मेन बड़े पार्टिसिपेंट हैं उनकी उम्र 72 साल है, 10 साल से लेकर 72 साल, हाँ एज ग्रुप कोई नहीं है इसमें, 10 साल से शुरू है और बड़े तक हैं इसमें जैसे कि सबने बताया है, और ये आज़ादी का महोत्सव का पहला कार्यक्रम है। आज़ादी के महोत्सव के अवसर पर विरासत रुड़की द्वारा रुड़की नगर निगम में 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं बाहर से भी लोग आएंगे, और सबसे बड़ी बात है जो कार्यक्रम 22 मार्च को रहेगा उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं।